नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक एट्यूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लॉक डायग्राम के द्वारा सिग्नल फ्लोग्राफ को कैसे बनाते हैं और साथ में सिग्नल फ्लोग्राफ जो बनाएंगे उसका ओवरऑल ट्रांसमिटेंस या यूँ कहें ट्रांसफर फंक्शन या यूँ कहें CYR कैसे फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, दिया हुआ है और क्वेश्चन लिखा है कि ड्राई सिग्नल फ्लोग्राफ एंड फाइंड द ओवरऑल ट्रांसमिटेंस फॉर ए गिवन ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब ये कुछ भी लिखा रहे, इसमें हम लिख देते हैं वाई यूजिंग ऑफ मेंसन गेन फॉर्मूला। इसमें लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ वाई यूजिंग ऑफ मेंसन गेन फॉर्मूला। तो मेंसन गेन फॉर्मूला यूज करके हमको इसका ओवरऑल ट्रांसमिटेंस निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका सिग्नल फ्लोग्राफ। तो सिग्नल फ्लोग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले बनाने से पहले इसमें ध्यान देना है आपको, सिग्नल फ्लोग्राफ बनाने की मेन जो रीड है वो बता दूं मैं आपको कि समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट को सबसे पहले ध्यान देना है। टेक ऑफ पॉइंट के लिए नोड बनेगा, समिंग पॉइंट के लिए नोड बनेगा। ध्यान से सुनना, समिंग पॉइंट के लिए एक नोड बनेगा, टेक ऑफ पॉइंट के लिए नोड बनेगा। यानी कि जितने समिंग पॉइंट जितने टेक ऑफ पॉइंट इतने आपको नोड बनेंगे। नोड कैसे बोलते हैं, नोड वह होता है जहाँ से दो या दो से अधिक ब्रांचेस निकले या वहाँ पे आके मिले। ठीक, अब इसमें ध्यान देना है यदि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद में है तो एक ही नोड बनेगा यानी कि एक ही चौराहा बनेगा, और टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के पहले है तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट लेना पड़ेगा आपको नोड, और उनके बीच में यदि कुछ नहीं है यानी टेक ऑफ पॉइंट पहले है सेपरेट सेपरेट नोड लेंगे और उनके बीच में कोई आपका ट्रांसमिटेंस नहीं है तो वहाँ पर यूनिटी ट्रांसमिटेंस लेंगे यानी कि वन लेंगे। समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बनाते हैं हम इसके लिए नोड। तो यहाँ पे देखें, समिंग पॉइंट के बाद में यह टेक ऑफ पॉइंट है तो इसके लिए हम ओनली सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड लेंगे, नोड वन। ठीक, यदि टेक ऑफ पॉइंट पहले होता तो सेपरेट सेपरेट लेते। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ भी दोनों के लिए एक ही नोड लिया जाएगा, ये नोड लिए इसको नोड देते हैं टू, और आउटपुट हमको मिल रहा है सी, इनपुट में मिल रहा है हमको आर, आ रहा है। ठीक है, बन गया, समझ में आया होगा। अब बीच में क्या है, दोनों नोड के बीच में एक जीवन लगाया है, इसको ट्रांसमिटेंस बोलते हैं, तो जीवन लगा देते हैं हम भी, ये हमारा जीवन। इसके बाद यहाँ से सिग्नल निकला G2 और लास्ट में समिंग पॉइंट या दोनों एक के लिए नहीं पहुँचा है तो इसको हम दे देते हैं G2, ये हमारा G2 आ गया। ठीक है, ये G2, यहाँ से एक सिग्नल निकला एच वन माइनस सात वापस आया तो ये एच वन आ गया आपका, माइनस सात दे दो, ये माइनस एच वन लिख दें। और इसमें आपको एरो का बेसिस ध्यान रखना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल फ्लोग्राफ का, मैं इसमें कंप्लीट बेसिक्स बताने का प्रयास करूंगा, आप समझें, कोई डाउट ना रहे। ठीक, अब मुझे लग रहा है ये बन गया, आर हमारा आ गया, सी आ गया, जी वन जी टू आ गया, एच वन आ गया, डायरेक्शन सब क्लियर हो गई, ये हमारा सिग्नल फ्लोग्राफ हो गया। अब हमारा मेंसन गेन क्या फॉर्मूला बोलता है कि मेंसन गेन फॉर्मूला हमको निकालना होता है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस, पाथ फैक्टर एंड ग्राफ डिटरमिनेंट। तो फॉरवर्ड पाथ हम देख लें इसमें कितने फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं, कितने लूप बन रहा है, वो हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे। तो हम फॉरवर्ड पाथ कैसे बोलते हैं कि इनपुट से चले और आउटपुट पहुंच जाए, वापस घूम के ना आए, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा डायरेक्शन में एक सीधा फॉरवर्ड पाथ बन जाएगा जिसमें जी वन ट्रांसमिटेंस आ रहा है, इसके बाद एक ये बन जाएगा जिसमें जी टू ट्रांसमिटेंस आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे देयर आर, ये आपको लिखना है टू फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो टू कौन कौन से लिख दो, P1 क्या है आपका G1, P2 क्या है G2, और होता तो और लिख देते, है ही नहीं, क्या करें आप। इसके बाद लिखते हैं देयर आर कितने लूप्स, लूप ढूंढो पहले, एक तो यहाँ से इन लूप कैसे बोलते हैं, क्लोज लूप, जिस पॉइंट से जिस नोड से चलें और उसी नोड पे आ जाएं डायरेक्शन चेंज ना करते हुए उसको बोलेंगे लूप। तो यहाँ से चलें उसी पर जाएं, लूप L1, यहाँ से चलें उसी पर जाएं, लूप 2, और कहाँ जाएंगे, कहीं जा ही नहीं रहे तो लूप 2 है। तो लिखते हैं देयर आर टू क्लोज लूप्स। ठीक है, L1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से चलें वही जाओ, रास्ते में जो आए सबको गुणा करते चलो, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते चलो। तो क्या यहाँ से चलें G2 into H1 माइनस है L2, आ जाओ यहाँ से चलो G1 into H1 माइनस 7। अब क्या निकालना है,
अब जितने पाथ हैं उतने आपको चाहिए पाथ फैक्टर, यानी कि डेल वन डेल टू, तो पाथ फैक्टर निकाल दो यहाँ पे। पाथ फैक्टर निकलेंगे डेल वन, कैसे निकलेगा पाथ फैक्टर कि पी वन जो फॉरवर्ड पाथ है उसके लिए यदि सारे लूप टच कर रहे हैं तो उस डेल वन की वैल्यू जाएगी वन, और जो लूप टच नहीं कर रहा उसको वन माइनस करके लिख देते हैं। क्या बोला मैंने, जिस पाथ के लिए जो पाथ फैक्टर निकाल रहे हैं पी वन की नहीं निकाल रहा हूँ मैं डेल वन, तो जितने भी लूप बन रहे हैं वो क्या पी वन को टच कर रहे हैं क्या, देख लो पी वन के लिए सारे टच कर रहे हैं तो डेल वन की वैल्यू हुई वन, आँख बंद करके लिख दो, जरूरत ही नहीं पूछने कहीं भी। डेल टू निकाल लो, डेल टू क्यों निकालें भाई, किसने कहा निकालने का, पी टू ने कहा है क्योंकि पी टू को चाहिए डेल टू, दोनों भाई भाई हैं, पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू प्लस पी थ्री डेल थ्री, इसका आंसर पी टू का डेल टू आएगा, तो डेल टू आएगा। तो भाई क्या कर रहे हैं, जितने लूप बन रहे हो क्या पी टू टच कर रहे हैं क्या, चेक कर लेते हैं। पी टू आपका ये जा रहा है जी टू, यहाँ से यूँ घूम के देखा ये गया ये गया, तो पहला लूप टच कर गया, दूसरा लूप भी टच कर गया, कहीं भी कर जाए कर गया, तो डेल टू वैल्यू बन हो गई। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें, ग्राफ डिटर्मिनेट निकाल लें, तो ग्राफ डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा, ग्राफ डिटर्मिनेट वन माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, तो ऑल लूप कितने बने भाई यहाँ पे, तो सिर्फ दो ही बने हैं यार अभी, तो एल वन एल टू लिख देते हैं। इसके बाद होता है सम ऑफ ऑल नॉन टचिंग पेयर्स, कुछ भी नॉन टचिंग इसमें तो कुछ है नहीं, सारे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे यहीं पे सब कुछ कहानी ख़त्म हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, पेन क्यों नहीं चल रहा अभी देखते हैं, वन माइनस से काम चलाते हैं, तो एल वन एल टू वैल्यू लिख दो, एल वन की ये वैल्यू एल टू वैल्यू लिख दो, प्लस कर करके माइनस ये है, दोनों माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या है पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, जी वन एच वन प्लस जी टू एच टू। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है बाय यूजिंग ऑफ मिनसन गेन फार्मूला, फार्मूला तो मिनसन गेन फार्मूला क्या होता है, इससे पहले हमने देखा था टी इक्वल टू ये होता है क्या, पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू, जितने पाथ है उतने अपॉन डेल, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं फाइनली, पी वन क्या है जी वन, डेल वन क्या है वन, कोई मतलब नहीं, पी टू क्या है जी टू, डेल टू क्या है वन, वन ही आएगा, अपॉन होल डेल, होल डेल क्या आया वन प्लस जी वन एच वन जी टू एच वन, और फाइनली ये हमारा जाता है आंसर। मैंने थोड़ा लिखा उसको, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है बोर्ड पर इस कारण से। तो फाइनली ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आप देख लें ब्लॉक डायग्राम है, सबसे पहले उसका सिंगल प्रोग्राफ बनाना है, इसके बाद जितने पाथ है उतने पाथ निकालना है आपको फॉरवर्ड पाथ, इसके बाद आपको लूप चेक करना है, पाथ फैक्टर निकालना है, ग्राफ डिटर्मिनेंट निकालना है, और मेंशन गेन फॉर्मूला इनपुट कर देना है, और फाइनली ओवरऑल ट्रांसमिटेंस या ट्रांसफर फंक्शन या आपका सी वाई आर जो बोलें वो आ जाए, इसको सी वाई आर भी बोल सकते हैं आप, ये आंसर जो है सी वाई आर या ट्रांसफर फंक्शन, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, मैंने सारे डाउट्स जो हैं क्लियर करने का प्रयास किया, फिर भी कोई डाउट है क्वारी से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम ही इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।